हापुड़ के कोतवाली गढ़मुक्त विश्व क्षेत्र में सुबह घर से स्कूल जा रही 9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा से रेप करने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। छात्रा ने पड़ोसी युवक पर नशीली गोली खिलाकर होटल में रेप करने का लगाया आरोप। पुलिस पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा, आरोपी को किया हिरासत में। कोतवाली गढ़मुक्त विश्व क्षेत्र में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने बताया कि वो स्कूल जा रही थी, रास्ते में पड़ोसी युवक राहुल अपने 3 साथियों के साथ आता है और पीड़िता को जबरन कार में बैठा लेता है। पीड़िता ने बताया कि उसको नशीली गोली खिलाकर एक होटल में ले जाकर वहां पर राहुल ने उसके साथ रेप किया। वहीं मामला सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया। आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मैं स्कूल जा रही थी सुबह 7:30 बजे, तो थोड़ी देर वो स्कूल थोड़ी पीछे, तो मैं स्कूल को जाने वाली थी अंदर को, तो गाड़ी में आया कोई 3 लड़के थे, एक ड्राइवर था, उन्होंने मुझे खींचा जबरदस्ती कार में, उन्होंने मुझे नशे की गोली दी, तो उससे मुझे नशा हो गया, तो फिर वो मुझे होटल ले गए। उन्होंने रूम में रूम बुक किया था स्काई लार्क में, तो फिर उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की थी? तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं? नहीं। तो कब से आप चक्कर काट रहे हो यहाँ मेडिकल बेड? रात से बैठे हैं। अभी तक कोई मेडिकल भी नहीं हुआ? मेडिकल हो गया लेकिन ये फाइनल रह रहा है। सर, गढ़ कोतवाली में एक लड़की ने एक होटल में एक लड़के पे आरोप लगाया रेप का, क्या है पूरा मामला क्या है? ये एक लड़की है जो कक्षा 9 में पढ़ती है, तो उसने एक अपने 7 के लड़के पे ये आरोप लगाया हुआ है, तो उसकी शिकायत पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लड़का भी डिटेंशन पे है और बाकी इन्वेस्टिगेशन कर देख रहे हैं कि क्या सही बात है, तो उस पर कार्रवाई करी जाएगी।